हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, फ्री फायर मैक्स में बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि गेम के अंदर से ऑटोमेटिक कलेक्शन पैक डिलीट हो जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आपको गेम के अंदर एक कलेक्शन पैक देखने को मिलता है जो कि आपको करीबन 1500 MB का होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इस कलेक्शन पैक को पूरा डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वो गेम को नेक्स्ट डे ओपन करते हैं तो उनका कलेक्शन पैक ऑटोमेटिक पूरा डिलीट हो जाता है। एंड ये जो प्रॉब्लम आ रहा ऑटोमेटिक कलेक्शन पैक डिलीट प्रॉब्लम, ये आपको हर दिन देखने को मिलता होगा। यानी कि अगर आपने गेम के अंदर आज कलेक्शन पैक को पूरा डाउनलोड करके रखा है, तब आपका कल के दिन यानी कि नेक्स्ट डे आपका कलेक्शन पैक ऑटोमेटिक पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कलेक्शन पैक को डाउनलोड करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका भी गेम के अंदर से डेली एक्सपेंशन पैक ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है, तो इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट इन तक वॉच कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो गेम के अंदर से डेली एक्सपेंशन पैक डिलीट प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट इन तक वॉच करना। चैनल पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको गेम के अंदर डेली एक्सपेंशन पैक डिलीट प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपको गरीना वालों की तरफ से नहीं रहता, ये आपके मोबाइल के चलते होता है। एंड ये जो प्रॉब्लम आ रहा है गेम के अंदर डेली एक्सपेंशन पैक डिलीट प्रॉब्लम, ये आपको ज़्यादातर उन मोबाइल में देखने को मिलता है जिनका भी रियलमी एंड ओप्पो का मोबाइल है, उनको गेम के अंदर डेली एक्सपेंशन पैक डिलीट हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रियलमी एंड ओप्पो का मोबाइल है तब आपको गेम के अंदर ज़्यादातर ये डेली एक्सपेंशन पैक डिलीट प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को बताता हूँ क्यों आपको रियलमी एंड ओप्पो का मोबाइल में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्यों आपको रियलमी एंड ओप्पो का मोबाइल में ऑटोमेटिक कलेक्शन पैक डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप रियलमी एंड ओप्पो का मोबाइल में फ्री फायर मैक्स चलते हो, अगर आप फ्री फायर मैक्स में कलेक्शन पैक पूरा डाउनलोड करते हो, उसका एक डाटा फाइल बन जाता है मोबाइल में। एंड रियलमी और ओप्पो मोबाइल में एक क्लीनर ऐप होता है अपने फोन को क्लीन करने के लिए। उस क्लीनर ऐप में एक अगर आपका सेटिंग ऑन रहता है जिसकी वजह से आपका फोन ऑटोमेटिक क्लीन होता रहता है, अगर आप अपने फोन को क्लीन भी नहीं करोगे फिर भी आपका फोन ऑटोमेटिक क्लीन होता रहता है, आपके मोबाइल के अंदर जो भी अननेसेसरी डाटा रहता है वो ऑटोमेटिक प्रतिदिन डिलीट होता रहता है। एंड जो आपने कलेक्शन पैक पूरा डाउनलोड किया वो मोबाइल के क्लीनर ऐप की नज़र में अननेसेसरी डाटा रहता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है, जिसकी वजह से आपको गेम के अंदर डेली कलेक्शन पैक डिलीट प्रॉब्लम आता है। तो आपको उस सेटिंग को ऑफ करना होगा। तो वो सेटिंग कहाँ मिलेगा, कैसे आपको सेटिंग को ऑफ करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड साथ में आपको एक और सेटिंग बताऊंगा जिससे अगर आप ऑफ कर देते हो, टोटल आपको दो सेटिंग बताऊंगा, अगर आप इन दो सेटिंग को ऑफ कर देते हो उसके बाद आपको गेम के अंदर कलेक्शन पैक ऑटोमेटिक डिलीट प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल के होम स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट सेटिंग के बारे में बताता हूँ जिससे ऑफ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि आपको फ्री फायर मैक्स वाले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद आपको फ्री फायर मैक्स को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप फ्री फायर मैक्स को लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट में ऐप इन्फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे में परमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे में एक एक कुछ लिखा हुआ रहा है, रिमूव परमिशन इफ ऐप इजेंट यूज। तो आपका वहाँ पे लिखा होगा रिमूव परमिशन एंड फ्री अप स्पेस। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो जो कि आपका यहाँ पे इनेबल होगा, जो कि आपका भी डिफॉल्ट इनेबल होगा। तब आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पर ऑफ कर दोगे उसके बाद आपको गेम के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है कलेक्शन पैक ऑटोमेटिक डिलीट प्रॉब्लम, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आपको गेम के अंदर एक और सेटिंग ऑफ करना है जो कि आपको मोबाइल के क्लीनर ऐप में मिलेगा। तब आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के क्लीनर ऐप को ओपन कर देना है। जो आप ये क्लीनर ऐप देख रहे हो फोन मैनेजर नाम का, ये रियलमी एंड ओप्पो के मोबाइल में होता है। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है क्लीनर ऐप को। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट में सेल्फ चेक का एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि ये एवरी डे पे आपका सेट होगा, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर ऑटो स्टोरेज क्लीनअप का एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका ये वाला भी ऑप्शन एवरी डे पे सेट होगा, तो इसे आपको नेवर पर कर देना है। जब आप ये दो से तीन सेटिंग को ऑफ कर दोगे अपने मोबाइल से, उसके बाद आपको जो गेम के अंदर कलेक्शन पैक ऑटोमेटिक डिलीट प्रॉब्लम आ रही है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।